Welcome to our channel gurukpu.com. I am Poonam Soni, assistant professor in IT department. Today we are here with another topic in data structure. Ek bahut important topic hai. Trees hum pad chuke hain, usi ke under usi ka type hai binary search tree. Jiske andar kya hota hai, tree ka hame pata hai, tree is also a collection of nodes and edges. Edges aur nodes ka hi collection hota hai. Jaise ki hum koi bhi example le sakte hain, suppose this is a tree, but binary search tree, BST भी हम इसको कई बार बोलते हैं, BST, binary search tree, ये एक special type of tree है, जिसकी एक property है, property क्या कहती है, कि कोई भी node हो n, nth node, any nth node, तो हम हमारे example में suppose अगर ये root node ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो value है, it must be greater than all the values in its left subtree. लेफ्ट सब ट्री मतलब ये, इसमें जितने भी नोड्स होंगे आप और भी नोड्स बना सकते हैं. सपोज 75 हमने बनाया, 25 हमने बनाया, इनसे सबसे बड़ा होना चाहिए और फ्रॉम ऑल द वैल्यूज इन द राइट सब ट्री से छोटा होना चाहिए. तो अगर हम ये एग्जांपल देखें तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ बीएसटी, ये एक बीएसटी नहीं है, क्योंकि 35 इज़ नॉट ग्रेटर देन 40, नॉट इवन ग्रेटर देन 75, ना तो 40 से बड़ा है ना वो 70. तो आप इसको एक नॉर्मल ट्री बोल सकते हैं, दिस इज़ अ ट्री बट दिस इज़ नॉट अ बीएसटी. ठीक है, तो बीएसटी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी ट्री की अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, अगर हम थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज कर दें वैल्यूज़ का, नोट्स का, तो अगर सपोज हमने बोला 35 इज़ हियर, 25 75, 40 and 90 सपोज, ये हमने एक ट्री बनाया. एग्जाम्पल, वी आर जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल, अभी इसमें ज़्यादा हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसा ही क्यों लिखा, ये नोड यहीं क्यों लिखा, ये ऊपर भी आ सकता था क्या, एंड ऑल आ सकता है, बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं. तो हम एक इंस्टेंस ले रहे हैं किसी ट्री का, कि सपोज़ ये एक इंस्टेंस है, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए वेदर दिस इज़ अ बी एस टी और नॉट, तो येस इट इज़ अ बी एस टी, बिकॉज इसका जो nth नोड हमने माना ये है सपोज. ठीक है, इसका वैल्यू इधर वाले नोड से ग्रेटर है क्या सबसे, यस, इधर सिर्फ एक ही नोड है 25 और उससे ग्रेटर है ये. इधर राइट साइड में जितने भी नोड्स हैं उनसे लेसर है क्या इसका वैल्यू, लेट्स चेक, 75 लेस, यस, 40 से लेसर, यस, 90 से लेसर, यस. सो दिस, फिर अगेन यू जस्ट डोंट हैव टू सी द रूट नोड, सिर्फ हम रूट नोड के बेसिस से बात नहीं कर सकते हैं. सपोज अगर ये ऐसा कुछ होता 40 and 75 यहाँ होता, तो हमने इसको तो देख लिया कि हाँ ये इसके लिए तो प्रॉपर्टी सारी सही है, कि इधर सारी छोटी नोड्स हैं, इससे इधर सारी बड़ी नोड्स हैं, लेकिन हमने बोला फॉर एवरी nth नोड, हर एक नोड के लिए. तो अगर हम इसको चेक करें 40 को, तो ये जो वैल्यू है ये इधर वालों से सबसे बड़ा होना चाहिए, तो आपने चेक किया नहीं 75 तो इधर बड़ा है, तो अगेन दिस होल इज नॉट अ बीएसटी. अगर इसका हम पहला वाला ही सिनेरियो देखते हैं, हियर इज 75 एंड हियर इज 40, तो हमने इस नोड के लिए चेक किया, इसका लेफ्ट सब ट्री में वैल्यूज क्या क्या हैं, सिर्फ 40 हैं, ऑब्वियसली 40 से बड़ा है. इसके राइट सब ट्री में वैल्यू क्या है, 90, ऑब्वियसली 90 से छोटा है, तो अगेन ये वाला नोड भी बीएसटी की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. फिर अगर हम इनको लीफ नोड्स को देखें, तो लीफ नोड्स में 25 अकेला ही है, ठीक है, इससे ऊपर पूरा बीएसटी का हमने प्रॉपर्टीज चेक कर ली, 40 के अंडर कोई चिल्ड्रन नहीं है, 90 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 90 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो हम इनके लिए प्रॉपर्टीज को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. हर एक इंटरनल नोड के लिए हम ये वैल्यू चेक कर लेंगे, ये प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे कि उस नोड का वैल्यू, जिस भी nth नोड को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द लेफ्ट सब ट्री वैल्यूज़. लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनसे बड़ा होना चाहिए, और राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनसे छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी बाइनरी सर्च ट्री की. अब देखते हैं हम, अगर हमें कुछ नोड्स गिवन हैं तो उनसे हम बीएसटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वी आर जस्ट वॉचिंग कि हम किसी भी बीएसटी के अंदर, ऑलरेडी जो बीएसटी है उसके अंदर नोड्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. तो सपोज़ ये सिक्वेंस हमें गिवन है, ये नोड्स, इन नोड्स से हमें एक बीएसटी बनाना है,
तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 40 को रूट नोड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है 40 बन गया हमारा। नेक्स्ट 60 लेके आएंगे हम, 60 है, 60 को कंपेयर करेंगे अब हम जो ऑलरेडी नोड है उससे, 40 से कंपेयर किया तो हमें पता है कि BST बनाने के लिए अगर इससे छोटा नंबर होगा तो हमें लेफ्ट में इंसर्ट करना है, अगर इससे बड़ा होगा तो हमें राइट में इंसर्ट करना है। तो 60 को हमने कंपेयर किया 40 से, ये लार्जर है इससे तो हमने इसको राइट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है दिस वी हैव कंसिडर्ड दिस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट कम्स 50, फिर 40 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है राइट में चलो, 60 से कंपेयर करेंगे, 60 से छोटा है 50 तो इसके लेफ्ट में इंसर्ट कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट ये भी ऑलरेडी कंसिडर्ड 33 हमने 40 से कंपेयर किया, तो जब 40 से कंपेयर किया तो हमने देखा कि 33 इज लेसर देन 40 तो हम इसके लेफ्ट में आएंगे। अब लेफ्ट में देखा तो कोई भी नोड नहीं है तो आप इसको जस्ट नेक्स्ट नोड की तरह इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है ऑलरेडी कंसिडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज 55 को हमने कंपेयर किया, इससे छोटा बड़ा है राइट में जाएंगे, इससे छोटा है लेफ्ट में आएंगे, इससे बड़ा है राइट में जाएंगे, तो इससे बड़ा है तो हम राइट में आ गए, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। 11 इससे छोटा है लेफ्ट में आ गए, 33 से भी छोटा है फिर इसके लेफ्ट में आ गए हम, हेंस ऑल द नोड्स आर कंसिडर्ड। और इस तरीके से हमने एक BST बना दिया। अब आप इसकी किसी भी नोड को देखेंगे तो आप वो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो BST की हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट में उससे छोटा नोड होना चाहिए और राइट में उससे बड़ा नोड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इसके राइट में बड़ा है, फिर यहाँ से देखा तो इसके लेफ्ट में छोटा है, ये छोटा है और ये भी छोटा है, 33 के लेफ्ट में छोटा है, 40 के लेफ्ट में सारे छोटे हैं, राइट में 40 से सारे बड़े नोड्स हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ BST, दिस इज़ वेरी सिंपल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये इंसर्शन हो गया इसके अंदर, सर्चिंग है, सर्चिंग इज़ वेरी इजी इन BST। सपोज वी नीड टू सर्च 33 हमें सर्च करना है तो 33 को हम कंपेयर करेंगे 40 से, सिंस 33 इज स्मॉलर देन 40 तो हम नेक्स्ट नोड पे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट नोड जो भी आया उसको कंपेयर करेंगे 33 से, इट इज़ इक्वलेंट तो ये हमें नोड मिल गया है। सपोज वी नीड टू सर्च 10, हमें 10 सर्च करना है वेदर इट इज़ एग्जिस्टिंग इन द BST और नॉट, तो 10 के लिए आपने कंपेयर किया इससे छोटा है लेफ्ट में चलेंगे, 33 से छोटा है लेफ्ट में चलेंगे, 11 से भी छोटा है लेफ्ट में चलेंगे, बट देयर इज़ नो लेफ्ट नोड, इट मीन्स नो 10 इन दिस BST, 10 ये वाला जो की है ये हमें मिला नहीं है, सर्च इज अनसक्सेसफुल। समझ में आ गया? तो अगर आपको ग्रेटर नंबर मिल रहा है तो आपको नोड के राइट में जाना है, और अगर लेसर नंबर मिल रहा है तो हमें नोड के लेफ्ट में आना है। तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट द BST, इंसर्शन देख लिया हमने और सर्चिंग देख लिया। अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं डिलीशन कैसे करते हैं। यस, नाउ लेट्स कंसिडर हाउ द डिलीशन इज़ परफॉर्म्ड इन BST। डिलीशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। सपोज वी वॉन्ट टू डिलीट द नोड 44, हमें 44 को डिलीट करना है, तो 44 को सबसे पहले हमें सर्च करना है इसके अंदर, तो यहाँ से हम कंपेयर करते रहे हमने देखा 44 इज़ लेसर देन 60 तो लेफ्ट में आ गए, फिर 25 से कंपेयर किया इससे बड़ा है राइट में गए, फिर इससे छोटा है और इससे बड़ा है तो 44 वी हैव रीच्ड हियर, तो यहाँ हमें 44 मिल गया है। अब इसको डिलीट करना है तो हमें इसके चाइल्ड चेक करने हैं कि कितना नंबर ऑफ चाइल्ड इसके हैं, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, 0 हैं, 1 है, 2 है, तो हमने देखा कि इसके कोई चाइल्ड नहीं है, इट इज़ अ लीफ नोड, तो लीफ नोड अगर है तो हमें कोई हैक्टेक नहीं है इसको डिलीट करने में, हम सिर्फ इसका पॉइंटर हटा देंगे, दैट्स इट। इट्स डैम सिंपल टू रिमूव अ नोड फ्रॉम अ BST इफ़ इट हैज़ नो चाइल्ड, अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो उसको हटाना बहुत ईजी है, उसका जो भी पॉइंटर आपको गिवन है वो हम वहाँ से हटा देंगे और वो नोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया विद 0 चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस है सपोज वी वांट टू डिलीट 75, तो 44 को हम वापस एज इट इज़ लिख देते हैं वहीं पे। नाउ सपोज वी वांट टू डिलीट दिस 75, तो 75 हम सर्च करेंगे, हियर वी हैव गॉट द 75, हमें मिल गया है 75, अब हमें इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए अगेन हमें चेक करना है कि चिल्ड्रन कितने हैं, 0, 1 और 2, तो हमने देखा इसका एक सिंगल चाइल्ड है, तो सिंगल चाइल्ड अगर है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उस नोड को रिमूव कर देना है
और पॉइंटर जो है वो उसके चाइल्ड पे सेट कर देना है। चाइल्ड पे सेट कर देना मतलब 66 हमने यहाँ से रिमूव किया, ये 66 का पॉइंटर यहाँ आ गया, मतलब दिस 60 इज नाउ पॉइंटिंग दिस 66। सिंपल, 75 को हमने रिमूव किया और जो उसका पॉइंटर था उसको हमने पॉइंट करवा दिया उसके सिंगल चाइल्ड पे, जो उसका सिंगल चाइल्ड था दैट वॉज 66। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव द 75 जिसका सिंगल चाइल्ड नोड अगर है, वन चाइल्ड अगर है किसी नोड का, तो हम उसके चाइल्ड से उसका पॉइंटर रिप्लेस कर देंगे। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, इसको हम वापस बना देते हैं वैसे ही, इट वॉज 75 एंड हियर इट वॉज 66। नाउ सपोज यू वॉन्ट टू डिलीट 25 को हमें डिलीट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सर्च 25 हमने सर्च किया, हमें यहाँ पे 25 मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज वॉट वी नीड टू चेक द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि कितने चिल्ड्रन है उसके, 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, इसके 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब 2 चिल्ड्रन होंगे तो नोड को किससे रिप्लेस करना है, इस नोड के इन ऑर्डर सक्सेसर से आपको इसको रिप्लेस करना है। तो वॉट इज इन ऑर्डर सक्सेसर, यू हैव टू ट्रेवर्स दिस ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर्म, आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है इस ट्री का। तो अगर हम इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखते हैं तो इट विल बी लाइक 15, 25, 33, 44, 50 and so on 60 आ जाएगा, देन 66 and 75, ठीक है। तो ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने लिख लिया, वो आप और वीडियोस देख के कर सकते हैं, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रेवर्सल्स ऑफ अ ट्री, तो आप उसमें देख लीजिएगा व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लिया, अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपको डिलीट क्या करना है, 25, तो हमने 25 को सर्कल कर लिया। व्हाट्स द नेक्स्ट नोड ऑफ 25, दैट इज 33। इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 25, यू हैव टू फाइंड आउट इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 25, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर जो उससे नेक्स्ट नंबर आ रहा है दैट विल बी द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 25। तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या आया अपना 33, तो हमें अब इस 25 को तो रिमूव कर देना है और 33 से रिप्लेस कर देना है। तो हमने क्या किया, 25 को रिमूव कर दिया और 33 से इसको रिप्लेस कर दिया, और 33 यहाँ पे आ गया तो हमें यहाँ से हटाना होगा उसको। अब हमें पता है अगर हटाना है मतलब डिलीशन फ्रॉम द BST, तो हम जब इसको डिलीट करेंगे अगर अगेन हम इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखेंगे तो इसमें सिंगल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे और इसका पॉइंटर इसके सिंगल चाइल्ड पे पॉइंट करवा देंगे। दिस इज हाउ वी आर डूइंग रिमूविंग द नोड विथ 2 चिल्ड्रन। क्या किया हमने, सबसे पहले नोड को मार्क किया जिसको हमें डिलीट करना है, फिर हमने उसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेक किया, सिंस उसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 था तो हमने क्या किया उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखने के बाद उसी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर उसका जो भी सक्सेसर होगा उससे हमें उसको रिप्लेस करना है। उस सक्सेसर को हमें कैसे हटाना है, वापस से उसी प्रोसीजर से चेक करना है वेदर सक्सेसर के आपके 0 चिल्ड्रन है, 1 है, 2 है, ठीक है। तो अगर 0 होगा तो बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका पॉइंटर हटाना है। इस केस में उसका 1 चिल्ड्रन था तो हमने नोड को हटा दिया और उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करवा दिया यूजिंग द पॉइंट। दैट्स इट अबाउट डिलीशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। इंसर्शन हमने देख लिया, हाउ कैन वी क्रिएट द ट्री, हाउ कैन वी सर्च द वैल्यूज इन द ट्री एंड हाउ कैन वी डिलीट द नोड्स फ्रॉम द ट्री, जिसके हमने 3 केसेस देखे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लेक्चर के अंदर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।